नमस्कार, मैं निकिता वाग्दे, स्टार्टअप्स न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सेगमेंट है स्टोरी टेलिंग। इस स्टोरी टेलिंग में मैं आपको जिंदगी से जुड़ी कुछ कहानियां बताने वाली हूँ। 10 साल का होगा माधव जो दीदी के गेट को बजा रहा था। दीदी घर के बाहर आकर बोली कि क्या है। माधव ने कहा कि दीदी बगीचा साफ करा लीजिए ना। दीदी ने बोला कि हम लोग ये सब नहीं करते, आगे बढ़ा। माधव ने कहा कि जरूरत है, अच्छा काम करूंगा, करा लीजिए ना। अब तो दिल पिघल चुका था दीदी का। उन्होंने माधव को अंदर बुलाया और उससे कहा कि पहले ये बताओ कि पैसे कितने लोगे। माधव ने कहा कि पैसे मत दीजिएगा, कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा। अब दीदी को लगा कि बहुत दिनों का भूखा होगा। वो अंदर गई, एक थाली खाना लेकर आई। माधव को कहा कि पहले खाना खा ले, बाद में काम कर लेना। माधव ने कहा कि नहीं, पहले काम करूंगा, अब बाद में खाना दे दीजिएगा। वहीं पे थाली ढककर दीदी को अंदर काम करने चली गई। जब 1 घंटे बाद माधव ने चिल्ला के दीदी से कहा कि दीदी काम चेक कर लीजिएगा। जब दीदी बाहर आई, उन्होंने काम चेक किया तो वाकई में बगीचा तो बहुत अच्छे से साफ हो चुका था। गमले भी अच्छे से सजा कर रखे थे। दीदी ने कहा कि ले आजा, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। तो माधव ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। उसने अपने जेब से एक पन्नी निकाली और खाना भरने लगा। तो दीदी ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों। तो माधव ने कहा माँ बहुत बीमार है, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अब सरकारी अस्पताल था तो मुफ्त की दवाइयाँ तो मिल चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि दवाइयाँ खाना खाने के बाद ही ले लेना। अब ये बात तो सुन के दीदी के आंखों में पानी आया। उन्होंने एक माँ बन के माधव को खाना खिलाया और माधव की माँ के लिए नए सिरे से रोटियां बनाकर माधव के साथ उसके घर की ओर चल पड़ी। जब वो माधव की माँ से मिली तो उन्होंने माधव की माँ से कहा कि आप बहुत अमीर हो, क्योंकि जो आप अपने बच्चों को सिखाती हैं वो तो हम कभी सिखा ही नहीं पाते, वो है खुददारी। आपने एक खुददारी की भीख सिखाई है। एक खुददारी ही ऐसी चीज होती है जो पर्सन की असली पहचान बताती है। सो कीप वॉचिंग स्टार एपिक्स न्यूज। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।